अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अपनी तस्वीर बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आज की इस दुनिया में ऐसे जज्बा हो गया है कि कोई भी इंसान अपने डेली की खुद की सेल्फी बनाए बिना नहीं रह सकता। दोस्तों शादी वगैरह और दीगर फंक्शन में सेल्फी बनाना तो ठीक था, लेकिन ऐसी ख़तरनाक सेल्फियाँ बनाना जो आपकी जान भी ले जाए तो वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आज की स्टूडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो अपनी खुद की सेल्फियाँ बनाते वक्त अपनी जान खो बैठे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो का आगाज। दी रूफ ऑफ ट्रेन। दोस्तों रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़की तब जल की खाक हो गई जब उसकी दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि तुम ट्रेन के ऊपर जाकर सेल्फी बनाओ। ये वाक़या 2015 का है। एक दिन ये और उसकी दोस्त एक रेलवे स्टेशन पर चंद ऐसी तस्वीरें बनाने गए जो इसे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी थी। जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो उसकी दोस्त ने उसे कहा कि तुम ट्रेन की छत के ऊपर जाके स्पेशल सेल्फी लो, जो कि इसकी मौत की वजह बनी। जब ये ट्रेन के ऊपर सेल्फी खींचने गई तो 18,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होकर उधरी जल के राख हो गई। मगर इसे एक आदमी ने बचाने की बहुत कोशिश की मगर ये बच न सकी। नंबर 2, सेल्फी विद द शूटिंग गन। दोस्तों ये जो लड़का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी मौत की वजह जानकर आप घर पे कभी गन या पिस्तौल नहीं रखेंगे, क्योंकि खाली पिस्तौल भरी मैगजीन से ज़्यादा बेहतर है। इस लड़के का ताल्लुक मेक्सिको से था। इसे गन्स के साथ सेल्फी बनाने का बहुत ही शौक था। ये एक पिस्तौल के साथ सेल्फी लेते हुए अपनी जान गवा बैठा। ये लड़का 21 साल का था। इसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है कि ये महंगी कार्स और खूबसूरत नौजवान लड़कियों के साथ सेल्फी बनाने का बहुत ही शौकीन था। नंबर 1, रेलवे ब्रिज सेल्फी। दोस्तों ये एक जानलेवा सेल्फी थी जिसमें एक 18 साल की लड़की जो 80 फीट ऊंची ब्रिज से ऊपर जाकर सेल्फी बनाते वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठी। दोस्तों इस लड़की का नाम सानिया था। ये लड़की बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर थी। जब ये ब्रिज के ऊपर सेल्फी लेने गई तो वहाँ से नीचे देखते वक्त इसको चक्कर आने लगे, जिसकी वजह से ये बेहोश होकर 80 फीट बुलंद ऊंचाई से नीचे जा गिरी। इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने से इसकी जल्दी मौत वाक़ हो गई।